बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन हमेशा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। 2018 से ही वो मॉडल रहमान शॉल को डेट कर रही हैं। अब हाल ही में सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जो कि ब्रेकअप और हीलिंग के बारे में था। अब इसे पढ़कर फैंस को लगा कि सुष्मिता और रहमान का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आपको बता दें ये सभी खबरें सिर्फ एक स्पेकुलेशंस हैं और रहमान और सुष्मिता का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। वेल, अब ये कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता 2018 से मॉडल रहमान शॉल के साथ रिलेशनशिप में है। हाल ही में सुष्मिता सेन ने अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स को दोहराने की टेंडेंसी के बारे में इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया और इस बात पर जोर दिया कि हम इस पैटर्न को तोड़े। उसमें कहा गया कि सिर्फ अवेयर होने के बाद ही ये होगा, जिसके बाद हम पैटर्न को चैलेंज देकर उसे तोड़ दें, इससे पहले कि वो हमें तोड़े। सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की जिसमें मैसेज लिखा हुआ था। इसमें वियाना फेरन का कोट लिखा है, जब कुछ ऐसा होता है जिससे हम जिंदगी में उबर नहीं पाते, हम अक्सर खुद को ऐसे रिश्तों की तरफ खिंचता हुआ पाते हैं जो हमें दर्द और जख्म देते हैं, या फिर ऐसे रिश्ते जो कभी दर्द और जख्म को छू ही नहीं पाते। हम एक दोहराव वाले रास्ते या फिर उसके विपक्ष वाले रास्ते को अपना लेते हैं। हमारा काम है जागना, खुद को जागरूक करना और उबरने की ओर काम करना। ये हमें खुद और दूसरों से मिलाने के रास्ते पर ले जाता है। ये रास्ता हमें सक्रिय कर देता है, लेकिन ये हमें विश्वनीय हीलिंग की ओर ले जाता है। इस पोस्ट के कैप्शन में सुष्मिता ने लिखा, पैटर्न्स खुद को अनजाने में दोहराते हैं जब तक हम जानबूझकर उन्हें नहीं तोड़ते। हम सब में वो शक्ति है कि हम खुद को हील कर सकते हैं। मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब हम पैटर्न्स, दोहराव, अनजानापन आदतों के बारे में जागरूक हो जाते हैं, हमें वो पैटर्न जरूर तोड़ देने चाहिए, इससे पहले कि वो हमें तोड़ दें। वेल, अगर हम सुष्मिता के सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लाइफ में कुछ तो चल रहा है, और यही वजह है कि अपने पोस्ट में उन्होंने अपने दिल की बात रखी है। उनके पोस्ट में ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि वो ब्रेकअप से ठीक हो रही हैं। उनके इस पोस्ट को देखने के बाद रहमान और सुष्मिता को एक कपल के तौर पर पसंद करने वाले फैंस काफी परेशान हो गए। हालांकि ब्रेकअप की खबरों के बीच फैंस को राहत मिली है। रहमान और सुष्मिता का सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन फैंस का ध्यान खींचा है। दरअसल रहमान ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ अपनी एक पोयम शेयर की, जिस पर सुष्मिता ने बड़े प्यार से कमेंट भी किया। रहमान शॉल ने फोटो के साथ लिखा, उस वक्त उस जगह जहां मुझे लगा मैं अकेला हूं, वहां मुझे इस पेड़ का साथ मिला। इसे अब मैंने कैद कर लिया है और अकेलेपन से रिश्ता गैर कर लिया है। RS। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग में रहमान क्लिक्स, रहमान राइड्स, रहमान फील्स और सेरेनिटी लिखा है। रहमान की इस कविता को पढ़कर सुष्मिता सेन ने उनकी तारीफ की और कमेंट में लिखा, उफ जान बात तो है। इसके साथ ही उन्होंने आंख मारने वाली और दिल वाली इमोजी भी कमेंट में शामिल की। रहमान ने भी सुष्मिता के कमेंट की और सराहना पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, सुष्मिता संगति का असर है। वेल, अब इसे देखकर तो लगता है कि रहमान और सुष्मिता के बीच सब कुछ सही चल रहा है। सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप को लेकर फैंस तब परेशान हो गए थे जब उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा था, दिक्कत ये है कि महिलाओं को लगता है कि वो बदलेगा, लेकिन वो नहीं बदलता। गलती जो पुरुष करते हैं वो ये सोचते हैं कि वो कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो चली जाती है। इस पोस्ट को शेयर करने के साथ सुष्मिता ने लिखा, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वो नहीं करेगा, लेकिन वो करेगी। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हाल ही में सालों बाद सुष्मिता सेन ने OTT प्लेटफॉर्म पर आर्या नाम के वेब सीरीज से अपनी वापसी की। इस शो में उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पति के अवैध ड्रग के कारोबार को संभालती है।
वेल, इस स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। वेल, इस बॉलीवुड कपल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।